केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का गलत उपयोग किया जा रहा है। मामला सिवनी जिले का बताया जा रहा है, जहां छपारा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जबलपुर के एक नामी अस्पताल की बस ग्रामीणों को मुफ्त इलाज के नाम पर बहला फुसला कर ले जा रही थी। लोगों को शक हुआ तो वो बस में ही हंगामा करने लगे। सूत्रों की माने तो साधारण व्यक्ति का ऑपरेशन या बड़ी बीमारी के इलाज के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है। विधायक जी, जैसे कि अपने यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड से जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, बतौर ये क्रेडिट कार्ड के तौर पे चल रहे हैं, जैसे कि अभी ये गाड़ी बस पकड़ाई है, उसमें क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। एक औलाद का जो कर्तव्य होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। और उस काम का अभी हमने जो कल एक बस पकड़वाई है, और ऐसी मेरे विधानसभा से 8-10 गांव की मुझे खबर है, जिस बस को पकड़ा है, जो जबलपुर का एक मेडिकल कॉलेज है, वह यहाँ के लोगों को बिना जानकारी हॉस्पिटल को दिए, बिना परमिशन लिए गांव में लोगों में दलाल पहुँचाए हैं। ये पहले मोटरसाइकिलों से दलाल आते थे, अब कारों से आ रहे हैं और कारों से उठा के पहले ले गए, और अब इतना बड़ा इनका पेट भर गया, खाली हो गया, कि अब ये बसों से एक एक गाँव से 25-30-40-40 लोगों को ले जाते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है, और उनको लोभ देते हैं कि हम तुम्हारे शरीर का पूरा जांच करेंगे, बोले कल कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सब तुम्हारा इलाज निःशुल्क करेंगे। वो आदमी भ्रम में आके चला जाता है, जिसको वास्तव में कैंसर है, बड़ी बीमारी है, वो तो ठीक है, उसका इलाज हो रहा है उसमें, लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी शुगर है, खांसी है, सर्दी जुकाम बुखार है, छोटा मोटा कोई दर्द है, उनको भी ले जाके ये पूरी रात में जांच करते हैं, छोटा मोटी जांच करते हैं, और दूसरे दिन पूरी कैमरे में फोटो लेते हैं, ओटी में ले जाके लिटाते हैं, और इस तरीके से दर्शाते हैं जैसे उसका पेट का कोई ऑपरेशन किया, ब्रेन का किया, हार्ट का किया, ये सब फिल्म तैयार करते हैं, और उनको एक दिन के बाद शाम को 200-500 रुपये खर्चा भी देते हैं कि भैया तुम मजदूर आदमी थे, लेबर थे, 2 दिन का नुकसान हुआ, आप जाओ, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितनी बीमारी थी हमने आपको दवाई ले जाओ, आपका इलाज हो गया। इसके पीछे यह लोग सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं, 5 लाख का उस गरीब को पता भी नहीं है, उसका कहीं हार्ट का ऑपरेशन दर्शा रहे हैं, कहीं ब्रेन का, कहीं कैंसर का, कहीं लीवर का, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी का दर्शा कर लाखों रुपये उसके क्रेडिट का आयुष्मान कार्ड से निकाल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार के साथ धोखा तो कर ही रहे थे, मोदी जी के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं, उससे बड़ा धोखा उस गरीब के साथ कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो गरीब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, और अगर वो बीमार होकर हॉस्पिटल जाए तो पता चला कि उसका तो आयुष्मान कार्ड खाली हो गया। सर, जैसा कि अभी सुनने में आया है कल परसों में कि जो गाड़ी पकड़ी गई है आयुष्मान कार्ड को लेकर, कि कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा है और क्या कारण है, क्यों पकड़ी गई वो गाड़ी? जैसा मेरी जानकारी में आया है कि वो सुख सागर मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ पेशेंट छोड़ने आए थे, और कुछ पेम्पलेट वहाँ पे बटे हुए थे एक दिन पहले, और कुछ आयुष्मान से संबंधित जो मरीज हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड है, और इन लोगों को लेने के लिए ऐसा शिकायत मिली थी, और माननीय विधायक साहब के यहाँ से भी ये सूचना आई थी कि वहाँ पे इस प्रकार के गांव से लोगों को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उसकी जांच चल रही है, और DMO छपारा को भी मैंने बोला था, स्वयं मैं भी गया था थाने पे और वहाँ पे चर्चा की थी, तो कुछ मरीजों उसके बयान भी वहाँ पे हुए हैं, और गाड़ी पकड़ी गई ये बात सही है। सर, वहाँ पर क्या उपचार होता है, जैसे कि हमको सुनने में आया है कितना पैसा काटते हैं, फाइल का कुछ देते नहीं, किसी को आधार ही नहीं रहता है कि मतलब जांच हो क्या रही है इस संबंध में? नहीं, ये तो अब क्या है, जांच का विषय है, और ये जांच होने के उपरांत ही मैं कुछ बता पाऊंगा। सर, उनका उद्देश्य क्या था ये क्लियर नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी अभी ये जाँच का विषय है, जैसे जाँच पूरी हो। और मुझे अभी सुबह सुबह जानकारी मिली है कि ग्राम लुड़गी में ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ के लोगों को गुमराह करके और बस के माध्यम से जबलपुर ले जा रहा है, और हम लोग जितने भी यहाँ पर राज्यपाल जी का प्रोग्राम भी हुआ है, हम लोग एक एक
जितने भी यहाँ पर भरिया समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनके लिए कार्ड दिन रात से मेहनत करके हम लोग आयुष्मान कार्ड के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती तो आयुष्मान लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, उनकी सुविधा है आपके लिए। लेकिन ये इस प्रकार से बस में भर के ले जाना और लोगों को गुमराह करना, ये आप लोगों की समझदारी है कि आप समझदार हैं गांव में तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये कार्ड जो है आपके लिए एक साल के लिए निर्धारित होता है, 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, और वो भी क्रिटिकल कंडीशन पे, ऐसे घुटने दर्द हो, पाँव दर्द हो, सिर दर्द हो, तो आपका आयुष्मान कार्ड लगा के आपके खाते से पैसा आहरण किया जा रहा है। हाँ, और ये गाड़ी हमारी सुख सागर हॉस्पिटल में लगी हुई है, तो उनके थ्रू हमको यहाँ भेजाया गया। क्या नाम है जिन्हें भेजा उनका? उनका नाम मेरे को मालूम नहीं, सुख सागर हॉस्पिटल है। क्या जो कुछ कहा उन्होंने आपके यहाँ? नहीं, हमको तो सेट का ऑर्डर मिला, बोले ये जहाँ से गाड़ी जाएगी, ये जहाँ बोलेंगे भैया वहाँ ले जाना। तो जो हम जिसको हम हमको भेजा है जिसने, वो हमको कॉन्टेक्ट करते हैं, बोले आपको वहाँ गाड़ी लगाना है, वहाँ से लोग आएंगे तो उनको ले आना और वापस वहीं छोड़ देना है। वहाँ से कोई अस्पताल से कोई व्यक्ति साथ में नहीं आया? नहीं, उनके फोर व्हीलर आती है। वो कहाँ है अभी? वो तो शाम को आई थी यहाँ पे। आज नहीं है साथ में? नहीं, साथ में अभी नहीं है, वो रास्ते पे मिलेंगे। वो और भी गांव में जाके सबको बताते हैं कि जी जावलपुर ले जा रहा है इलाज कराने मेरे को, और सब जो भाई लोग हैं मुतके हैं, 10-25-50 आदमी हैं, तो जावलपुर ले जा रहा है। कंडक्टर ड्राइवर वाल भर है, किसी ने नहीं किया है कि तुम फलानी जगह इलाज कराने जाओ। क्या कागज लेके बुलाए हैं? फार्मेंटी बुलाए है, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, आईडी, जिस सामान मंगे हैं। किस अस्पताल के लिए? वो अस्पताल हम मालूम ही नहीं है मुझे।